वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं. पारिवारिक जीवन चक्र जो है लंबे समय तक चलता रहता है और इस जीवन चक्र में व्यक्ति जो है विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है. तो पारिवारिक जीवन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था आती है प्रारंभिक अवस्था. प्रारंभिक अवस्था जो है वो अवस्था है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री विवाह करके अपना नया परिवार बनाते हैं. उस नए परिवार को जब बनता है तो उसमें केवल पति पत्नी होते हैं और वो नई गृहस्थी का निर्माण करते हैं. वो अवस्था कहलाती है प्रारंभिक अवस्था. इस अवस्था के अंदर पति पत्नी के पास भरपूर समय होता है और वो उस अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं. सेकंड जो अवस्था आती है वो है विस्तृत अवस्था. विस्तृत अवस्था नाम से पता चल रहा है, इस समय परिवार का विस्तार होता है. तो इसमें इन विस्तृत अवस्था सबसे लंबी अवस्था है जीवन चक्र की. इसे पुण्य वर्गों में बांटा गया है. इसमें सबसे पहली अवस्था आती है शिशु आगमन की अवस्था. इस समय परिवार के अंदर एक नए शिशु का आगमन होता है. नया व्यक्ति जो है परिवार में शामिल होता है, जिससे परिवार विस्तृत होता है, परिवार बढ़ता है. शिशु आगमन के बाद जो है उस समय समय की मांग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि शिशु के लालन पालन के लिए हस्बैंड वाइफ को, माता पिता को पूरा समय देना पड़ता है. नेक्स्ट अवस्था आती है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था. प्राथमिक विद्यालय की अवस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है. इस समय भी समय की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना, उन्हें ड्रेसअप करना, स्कूल भेजना, उनके लिए लंच तैयार करना, उसके बाद आने के बाद उनको होमवर्क करवाना, साथ साथ जो है धन की मांग भी बढ़ने लग जाती है. क्योंकि शिशु आगमन के साथ उसके बाद स्कूल जाने के बाद स्कूल के फीसेज, यूनिफॉर्म वगैरह पे जो खर्च होता है वो भी बढ़ने लग जाता है. नेक्स्ट अवस्था आती है उच्च विद्यालय की अवस्था. इस समय बालक जो है वो अपने सब्जेक्ट का चयन करके उच्च विद्यालय में प्रवेश लेता है. इस समय भी धन की मांग बढ़ती है, लेकिन समय की मांग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे इस समय सेल्फ डिपेंड होने लग जाते हैं, वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं. तो माता पिता के जो समय की मांग है वो कम हो जाती है. नेक्स्ट आती है महाविद्यालय की अवस्था. इस अवस्था के अंदर कुछ बालक महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जबकि कुछ बालक जो है अपने अपने व्यवसाय की तरफ बढ़ने लग जाते हैं. इस समय भी जो नई जनरेशन होती है, जो शिशु जन्म लिया होता है, वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है, अपने स्वयं के सारे काम स्वयं करने लग जाता है. कुछ बच्चे कॉलेज जाने के साथ साथ जो है साइड बिजनेस या अपना साइड कोई वर्क भी करने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपने धन की भी जो ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा करते हैं. नेक्स्ट अवस्था आती है संकुचित अवस्था. संकुचित का मतलब फिर से वो परिवार जो है इकट्ठा हो जाता है, विस्तृत परिवार फिर से संकुचित हो जाता है. क्योंकि संकुचित अवस्था के अंदर बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपने व्यवसाय में सेटल्ड हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और वो अपना नया परिवार जो है बनाते हैं, नई गृहस्थी बनाते हैं, जिससे जो हस्बैंड वाइफ थे वो फिर से पुनः एक बार अकेले रह जाते हैं. उनकी एज के अकॉर्डिंग वो इस समय बहुत एज भी हो जाते हैं, उनकी इनकम भी कम हो जाती है, समय बहुत अधिक होता है उनके पास, लेकिन वो एक संकुचित परिवार में रहने लग जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे अपने नए घर में चले जाते हैं और इस समय फिर हस्बैंड वाइफ अकेले हो जाते हैं. तो ये अवस्था कहलाती है संकुचित अवस्था. नेक्स्ट क्लास में हम इन विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या समस्याएँ आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.